लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी मेहनत के बाद नौकरी पाने जाओ, मेहनत करके जब नौकरी की तैयारी करके जाते हैं और उस समय पर वो पेपर जो है वो बिक जाता है, चोरी हो जाता है, पेपर के अंदर किसी ना किसी प्रकार की नकल हो जाती है। पेपर का लीक हो जाना, पेपर का चोरी हो जाना हजारों युवाओं के ऊपर बहुत बुरा कहर ढाता है। तभी परिणाम निकलता है कि पेपर लीक होने की घटनाओं के चलते बहुत बार युवा जो कि रोजगार के इंतजार में था, वो ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, नीट के एग्जाम में, गुजरात के एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में जो लीक होने की घटना है, उससे वो डिप्रेशन में जाकर के सुसाइड जैसी घटनाओं को अपने गले लगा लेता है। जॉबलेस पीपल कमिट सुसाइड इन पंजाब, अनएम्प्लॉयड यूथ हैंगिंग, ये सब खबरें आप यहां पर देख रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है साथियों, देश में रोजगार का हाल बहुत खराब है। अपने समय को बहुत सोच करके इन्वेस्ट करें, अपनी चीजों को बहुत सोच समझ करके आप अपनी तरफ से निवेश करें, कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपने लिए कोई अच्छी राह पकड़ करके रोजगार में निकल लें। सरकार के हालात अगर बताएं तो लोकसभा के अंदर दी गई जानकारी के अनुसार सरकार के पास 9.79 लाख वैकेंसी खाली हैं। यह जानकारी 2022 दिसंबर में दी गई थी सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास 2,93,000 जॉब खाली है, ऐसे डिफेंस में 2,64,000 जॉब खाली है। इस प्रकार से सारी जॉब की स्थिति तो है, लेकिन सरकार के पास भरने के लिए शायद पैसा ही नहीं होगा। बात की जाए, सरकार ने तो कभी वादा किया था कि 1 करोड़ जॉब दी जाएंगी जब बीजेपी सरकार में आएंगी, 2013 का इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये खबर है। हालांकि सरकार इस बात से मुकरती रही है। फिलहाल प्रहलाद जोशी जो सरकारी मंत्री हैं, इनका कहना है कि जो लोग रोजगार को लेकर के सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा लोन जैसी स्थितियों का उपयोग करके खुद से अपने आप को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। निश्चित ही मंत्री महोदय कर तो लें, लेकिन ये चीजें डराती हैं। क्या डराती हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं ना, उनके हालात बहुत खराब चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 29% स्टार्टअप इंडिया के वर्तमान में फेल हो गए हैं क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं है। ये सितंबर 2022 की खबर है। मेक इन इंडिया की बात की जाए तो हमारे ग्लोरियस सालों में हम मेक इन इंडिया को तो गिनाते हैं, लेकिन 100 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो इंडिया में रिपोर्ट की गई थी, लेकिन वो इतनी जॉब लॉस हो गई, उनमें से 24 मिलियन जॉब चली गई 2016 से लेकर 2021 के बीच में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी कंपनी जो आप कहते हैं आईटी में जॉब पालो, बहुत सारी कंपनी आईटी में भी वर्तमान में जॉब से निकालने में लग रही है, क्योंकि यूएन खुद बोलता है कि दुनिया में जॉब कटेंगी, 3 मिलियन जॉब यूएन के अनुसार भी जाएंगी। करें तो करें क्या? सरकार को या फिर हम सबको सोचने की आवश्यकता है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इस बहुत बड़े असुर से निपटने के लिए बहुत कड़ी नीतियों की आवश्यकता है। मनोरंजन के लिए, ध्यान बटाने के लिए जो ये मुद्दे हैं, आज इस बेरोजगारी का ही कारण है कि दुनिया भर में या देश भर में जो आप आरक्षण जैसे आंदोलन होते देखते हैं, उसमें युवा सड़कों पर क्यों कूद पड़ता है? क्योंकि आप विचार करिए, देखिए कितना संगठित प्रकार का एक नेक्सस है राजनीति। अगर आपको यह समझ में आएगा तो आप इस बात को बहुत गहराई से समझ लेंगे। आप विचार करिए, 0.33% लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन उस रोजगार की आड़ में मोटिवेट किया जाता है बाकी 99% यूथ को। उस 99% यूथ को मोटिवेट करने में लोगों को अपेक्षाएं, उम्मीदें दी जाती है कि रोजगार आसानी से उन्हें मिलता है जिनके पास रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन के नाम पर जातियां लड़ रही हैं कि हमें रिजर्वेशन मिल गया तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप विचार करिए कि हमारे लिए सरकारी नौकरी जो है ना, कितना बड़ा विशेष साइकिल हो गया है। देश में आरक्षण संबंधी जो आप आग लगती देखते हैं ना, जहां जहां रोड चक्का जाम हो रहा है या कहीं कोई किसी को जला रहा है, बस फूंक रहा है या सरकारों के रास्ते जाम हो रहे हैं, ये सबके पीछे बड़ा वजह अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट के चलते युवा बैठ करके नौकरी के इंतजार में आरक्षण में आने की विचार करता है कि शायद आरक्षण की वजह से मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। उस आधार पर जो पार्टियां आरक्षण की घोषणा कर देती हैं वो चुनाव जीत जाती हैं, जो आरक्षण हितैषी बयान दे देती हैं उन्हें लगता है कि हमारी तो सरकार चल गई। यानी उन रोजगार के लिए संघर्षशील युवाओं को ध्यान में रखते हुए राजनेता तो नौकरी पा लेता है, लेकिन युवा अपनी लड़ाई में केवल एक मोहरा बनकर रह जाता है। भारत जिस फेज में इस समय जा रहा है, घनघोर निराशा इस बात की है कि युवा अपने हितों को लेकर के बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। उसे लगता है बस मेरा घर बसना चाहिए, बाकी किसे क्या, मुझे इससे परवाह नहीं। असल में यूथ को यह समझने की आवश्यकता है कि उसका उपयोग कब हो रहा है और वो कब खुद उपयोग में आ रहा है, यह उसे समझना होगा। बाकी मर्जी आपकी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल है, इसके लिए मैंने एक ऑडियो बुक आपके लिए लगाई है, कुकू एफएम पर उपलब्ध।